हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ खांडवी, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात का फेमस है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं खांडवी बनाना, जो कैसे बनाते हैं हम। ये मैं वन बॉल में दही ली हूँ खट्टा, और ये हाफ बॉल में बेसन ली हूँ चने का, और ये मैं वन एसेंस ब्लैक पेपर, और ये कलर अकॉर्डिंग टर्मेरिक पाउडर, ये वन एसेंस मैं ली हूँ मीठा सोडा, जो कि सॉफ्ट बनाने में बहुत ही हेल्प करती है, और ये रेड चिली पाउडर मैं ली हूँ, जो कि टेस्ट के अकॉर्डिंग ली हूँ, और ये साल्ट नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है, और ये मैं तड़का लगाने के लिए कोरिएंडर लीफ ली हूँ, जो मैं कट कर ली हूँ बारीक, और ये वन टेबल स्पून मैं ली हूँ मस्टर्ड, जो तड़का लगाऊंगी लास्ट में स्मॉल ली हूँ, और ये वन ग्रीन चिली जो कट करके ले ली हूँ मैं, ग्रीन और रेड दोनों है मेरा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं खांडवी बनाना। तो चलिए हम शुरू करते हैं बनाना। तो हम बेसन ले लेंगे, और ये दही, और ये टर्मेरिक पाउडर, और ये नमक, रेड चिली पाउडर, और ये ब्लैक पेपर, और ये मीठा सोडा। सबको हम मिक्स कर लेंगे इससे, या ग्राइंडर से भी आप कर सकते हैं इसे मिक्स। इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि उसमें लम्स ना रहे। देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये पूरा मिक्स हो गया है। ये देखिए, जरा भी लम्स नहीं है। अब इसमें हम वन बॉल वाटर मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि वो अच्छे बने। इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसे मैं छान लेती हूँ ताकि उसमें जो कचरा वगैरह होगा वो निकल जाएगा। तो देख लीजिए, हम छान लिए हैं। देखिए, थोड़ा बहुत निकला है, ज़्यादा नहीं निकला है। इससे क्या होगा, अच्छा डिजाइन अच्छा दिखेगा। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में हम थोड़ा सा ऑयल लिए हैं, ज़्यादा नहीं। अब बनाते हैं। गरम कर लिए हम पैन को, और इसे हम चलाते रहेंगे ताकि वो फटे नहीं। जब तक गाढ़ा ना हो जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। करीब 5-10 मिनट तो लगेंगे, 4-5 मिनट लगता है इसे। फुल फ्लेम में पकाएंगे, मीडियम में पकाएंगे हम। तो देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा हमारा पकने लगा है। इसे हम पकाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो। देख लीजिए, हमारा अभी घोल बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। अब मैं इसे एक थाली पर पतले बना लेंगे। अब मैं इसे एक गोल थाली पे इस तरह से ले लूंगी, और इसे मैं इस तरह से पतले चारों साइड से फैला लूंगी। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, अभी हम सारा थाली पे इस तरह से हम लगा दिए हैं। अब इसे मैं तब तक जमने देती हूँ, तब तक हम इसका तड़का बना लेते हैं। जी फ्रेंड्स, अभी हमारा ये जम गया है। देखिए देखिए, हाथ में भी नहीं लग रहा है। तो अब मैं इसे कट कर लेती हूँ इस तरह से। कट करने के बाद मैं इसे इस तरह से हल्के हाथों से इस तरह से हम रोल कर लेंगे आराम से। ये देखिए, तो ये देखिए हमारा खांडवी कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से हम सारा रोल कर लेंगे। देखिए गाइस, हमारा खांडवी बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। तो उसके लिए हम 1 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। कोई भी ऑयल लीजिए, आप सरसों का ऑयल लीजिए या रिफाइंड ऑयल, जो आप ऑयल खाते हैं वो ले लीजिए।
ऑयल हमारा गरम हो गया है तो हम इसमें मस्टर्ड और ये ग्रीन चिली जो कट कट के लिए थे इसमें हम डाल देंगे और इसे हम पका लेंगे। तो देख लीजिए अभी ब्राउन हमारा सुनहला हो गया है, मिर्ची पक गया है। तो चलिए अब हम खांडवी के ऊपर हम छौंका लगाते हैं। तो इसके ऊपर हम ये तड़का लगा देते हैं। तड़का लगाने के बाद हम ये लीफ ले लेते हैं, कोरिएंडर लीफ, और इस पे हम सजा लेते हैं और गर्म गर्म सर्व करके आप नाश्ते में खाइए। तो देखिए हमारा खांडवी बनके तैयार हो गया है गाइस, कितना सुंदर। और ये देखिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट बना है, बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है, खाने में बहुत ही लाजवाब बनती लगती है गाइस। तो अगर हमारी खांडवी की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और हमारी वीडियो फुल वॉच करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।